चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ क्विज की अपडेट लेके आता हूँ। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि इस बुक से मैं वोकैब आपके सामने लेके आऊंगा, तो ये वोकैब बहुत ईजी है याद करना, इवन आपको याद करना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। और आने वाले किसी भी कॉमन जॉब के एग्जाम के लिए बहुत 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 यूजफुल होगी ये वोकैब। और इसमें जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे पेपर ओरिएंटेड हैं, एग्जाम ओरिएंटेड हैं। इसको हम नाम देंगे वोकैब सी। क्या नाम देंगे? वोकैब सी, वोकैब प्लस इजी, वोकैब सी, ठीक है ना। इसके लिए एक प्लेलिस्ट भी बनेगी और उस प्लेलिस्ट का नाम भी वोकैब सी होगा। मुझे ये पता है कि वोकैब सी कोई वर्ड नहीं होता, लेकिन यहां अंटसंट इतने सारे वर्ड हैं तो एक मेरा भी सही, ठीक है ना। हाँ, चलो अब याद करते हैं, याद नहीं करना, समझाते हैं। पहला आता है सबैटिकल, इसको लिखा है सब बात कल। सब बात कल, सब बात कल है आज। सबैटिकल मतलब जो कहा जाता है आजकल, समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? अ रेस्ट फ्रॉम वर्क ऑफन लास्टिंग 2 और 3 मंथ्स, मतलब उस दिन तक आराम करना है, काम से लीव ले लेना। अगला आता है सबेटर, ये तो कल बताया था, सब तोड़ने वाला, सब तोड़ने वाला सबेटर, सब तोड़ने वाला सबेटर, ध्वंसक विध्वंसक तोड़फोड़ करने वाला। अगला आता है सेक्रिन या सेकेराइन। देखो एक होता है स्पार्टेम, सेक्राइन, सक्रोलोस, एलिटेम। ये साइंस का है बच्चों, ये सारे के सारे आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है। मतलब चीनी की तरह मीठे होंगे लेकिन चीनी नहीं होंगे। अब समझ लेना, जिनके इनको इनको मतलब हस्बैंड शक्कर है वो सैक्राइन है। शक्कर मतलब सुगर, और सैक्राइन का मतलब ही सुगर ही होता है, ठीक है ना। तो मीठा संबंध, अच्छा मधुर प्यारा, ठीक है ना। अगला सैक्रिलेज, अब सुनो, शक करते हैं रिलीजियस पे, शक करते हैं रिलीजियस पे। मुझे पता है अब ज्ञान देने वाले ये ना बताएं कि रिलीजियस की स्पेलिंग ये नहीं होती है। शक करते हैं रिलीजियस पे, सेक्रिलेज मतलब पवित्र वस्तुओं का अनादर करना, ठीक है ना। इसके सिनोनिम्स लिखे हुए देखो, ब्लेस्फेमी और डिस्क्रेशन, ऐसे करके करना। सेक्रोसेंट, अब सुनना, इंडिया के सेक्रोसेंट को सेक्रोसेंट बदल नहीं सकते। अब सुनना, बहुत जरूरी काम जिसे बदला ना जा सके। देखो अब देखो, समझने की कोशिश करना। अगर मानो कोई काम सेंक्शन हो गया, कोई लॉ या कुछ सेंक्शन हो गया, तो वो होना ही होना है। तो आप ऐसे समझ सकते हो, सेंक्ट इसमें आ रहा है तो मतलब ऐसा काम जो बहुत जरूरी हो जिसे रोका ना जा सके, कि वो काम सेंक्शन हो चुका है। अगला आता है सडिस्टिक, दूसरों को स्टिक से सैड करने वाला, दूसरों को स्टिक से सैड करने वाला, स्टिक से सैड करने वाला सडिस्टिक। और स्टिक से सैड करेगा तो क्या होगा? परपीड़क, परपीड़क मतलब दूसरों के दुख में मजे लेने वाला। अगला आता है सागा, आसानी है, आपके सेज लोगों, सॉरी सेज नहीं है, मैंने यहां लिखा हुआ है, देखो आपके सगे लोगों को पता है आपके फैमिली की सागा, मतलब आपके फैमिली की गाथा, वीर गाथा जो भी है वो सब आपके सगे लोगों को पता है, सगे से सागा, ठीक है ना। अगला आता है सेगेसियस, सगे लोग जो सियस वो लोग सेगेसियस, मैंने बताया था सगे लोग सियस। अब एक चीज समझना, सगे लोग क्या होते हैं? हमारे सगे मतलब, देखो यहां रिलेशन की बात नहीं कर रहा, एक बता रहा हूं, आपका दोस्त भी आपका सगा हो सकता है। सगे का मतलब जो आपके लिए अच्छा सोचे, जो आपके लिए दूरदर्शी, मतलब जो आपके लिए अच्छा सोचे कि यार ये काम करो ये अच्छा होगा। अगला आता है सेलेसियस, आपका साला सेलेसियस है, साले लोग तो होते ही है कामुक, कामुक का मतलब। अब यहां पे मैं इसीलिए ये सीरीज स्टार्ट नहीं कर रहा था, मानो आप में से कोई साला, साला मतलब ब्रदर इन लॉ, ओके, आप में से कोई ब्रदर इन लॉ कमेंट में मुझे सुनाने लगे, इस समय ईगो रिलेशन अपना नाम सब साइड रखो,
याद रखो, बस सिलेक्शन चाहिए। अगला आता सेलुबेरियस, सल्लू, सल्लू तो पता है ना कौन है, सलमान खान। सल्लू अपने ब्रो के साथ यूएस में सेलुबेरियस जगह में रहते हैं, समझे? ऐसे याद रखना, सेलुबेरियस में सलमान खान। अब आप सोच के देखो, सलमान खान इतनी उम्र में भी कितने फिट है, तो यानी कि वो क्या है, स्वास्थ्य कारक या फिर स्वास्थ्य वर्धक। अगला आता है सैल्यूटरी, सैल्यूटरी कह लो, है ना, सैल्यूट करेंगे तेरे पे, सैल्यूटरी करेगा तो, मतलब सैल्यूट करेंगे, मतलब सिंपली सैल्यूटरी मतलब जिसे हम सैल्यूट करें। अब सैल्यूट किसे करते हैं, जो अच्छा हो, हितकारी हो, लाभकारी हो, ये सब है, ठीक है ना। सालवेज, सेल लगते है वेज का सालवेज करने के लिए, ठीक है ना। देखो, सेल लगाते हैं वेज का सालवेज करने के लिए। अब सुनना, आपके पास सब्जियां हैं और वो खराब होने वाली हैं, आपके पास सब्जियां हैं अब वो खराब होने वाली हैं, तो अगर वो खराब होने वाली है तो आप क्या करोगे, सेल करके उन्हें सेलवेज कर दोगे, सेल करके सेलवेज कर दोगे, सेल करके सेलवेज कर दोगे। यहां पे वेज VAGE है, इससे कोई लेना देना नहीं है, हमें याद करना है, सेल करके सेलवेज कर देंगे, मतलब सेल करके उन सब्जियों को सड़ने से बचा देंगे। डूबते हुए जहाज को बचाना, रक्षा करना, मतलब ये है। अगला आ रहा है सेंक्टिमोनियस, संत और मोनी लोग सेंक्टिमोनियस होते हैं, संत और मोनी लोग, संत और मोनी लोग सेंक्टिमोनियस होते हैं। अब समझ आ गया, मतलब ओहो यार, ये देखा, इसे मैं हटा देता हूँ, ये धार्मिक बन जाएगा, पता चला मेरे खिलाफ भी कोई केस ही हो गया, ठीक है ना। शुरुआत में मैं इस बुक को कराने के फेवर में इसीलिए नहीं था, बस पता है क्यों, क्योंकि इसमें देखो, एज अ स्टूडेंट, आपके लिए कोई धर्म, आपके लिए कोई पार्टी, आपके लिए कोई विशेष इंसान मैटर नहीं करना चाहिए। एज अ स्टूडेंट आपके लिए सबसे प्राइम प्रायोरिटी होती है आपका सिलेक्शन, लेकिन इसमें कई चीजें ऐसी लिखी हुई हैं जो मैं सब एग्री नहीं करता, चाहे किसी भी धर्म की हो, किसी भी बात की हो। इसका मैं बना देता हूं सेंक्टिमोनियस, ठीक है ना। ओके, आपने सुना है ना, संटी और बंटी, ये भी किसी का नाम हो जाएगा। चलो, इसका मैं अगली क्लास में बना दूंगा, बाकी मैं नहीं चाहता कि बेफालतू के ड्रामेबाजी में फंसा जाए, ठीक है ना। चलो, सेंचुरी, सेंचुरी का तो मतलब पता ही होना चाहिए, ठीक है ना। सेंचुरी से सेंचुरी सेम है, समझे, सदियों से ये जगह एज इट इज है। अगर कोई चीज सदियों से उस जगह को छेड़ा ना जाए, तो हम कह सकते हैं वो जगह पवित्र जगह है, मतलब प्योर है ना। द चर्च बिकेम ए सेंचुरी फॉर द रिफ्यूजीज, ठीक है ना। अगला आता है सैंक फ्रॉयड। अच्छा, चर्च से एक बात याद आई, चर्च के बाहर एक पालना लगा होता है, जिसमें कोई भी अगर जिसपे बच्चा हो और वो बच्चा पाल ना पाए, वो पालने में डाल देता है, और फिर चर्च वाले उसे अपने पास रखते हैं, उन्हें पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो उस पालने का क्या नाम होता है, मुझे आपको ये बताना है, आपने मुझे ये बताना है उस पालने को क्या कहते हैं, ठीक है ना। साथ ही साथ ये बता देना, जब बच्चा छोटा होता है, घुटनों के बल चलता है, उस चलने को क्या कहते हैं। अगला आता है सैंग फ्रॉयड, सैंग करते वक्त क्यों ना फ्राई हो जाए, सैंग 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 करते वक्त, मतलब गाते समय क्यों ना फ्राई हो जाए, सैंग फ्राइड रहना चाहिए, मतलब असंतुलित, मतलब द एबिलिटी टू स्टे काम इन डिफिकल्ट और डेंजरस सिचुएशन, मतलब गाना गाते समय आप लोग, या गाना सुनते समय आप लोग, जो भी आपका स्ट्रेस लेवल होता है वो कम हो जाता है। तो वो यही कह रहा है सैंक फ्रॉयड क्या होता है, ठीक है ना। इसके सिनोनिम्स भी दे रखे हैं। अगला आता है सेंग्यूनरी। अब सुनना, सैंग नारी को पाने के लिए, सैंग नारी मतलब ये जो सैंग नारी, देखो अब आप कहोगे सर ये सैंग सुंग सिंग क्या है, बच्चा याद करना है ना, सैंग नारी यहां से दिख जाएगा, सैंग नारी,
मतलब आपके दिमाग में ये इमेज स्ट्राइक करेगी कि गाती हुई लड़की को पाने के लिए सबने एक दूसरे से लड़ाई कर ली और क्या हो गए, लहूलुहान। पिक्चरों में भी तो यही होता है। सेंगुइन, पेंगुइन इज सेंगुइन, पेंगुइन में, पेंगुइन एक बर्ड है फिर भी इस पे पंख नहीं है, फिर भी ये जिंदगी जी रहा है, यानी कि पेंगुइन क्या है, सबसे ऑप्टिमिस्टिक है। ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी, समझे। अगर ये अप्रोच पसंद आ रही है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और फैलाएं। मैं इसको कराऊंगा, इसमें आपके लिए कम से कम 1000+ वर्ड्स हैं और आप ये देख चुके हो कि सारे वर्ड एग्जाम ओरिएंटेड हैं। धन्यवाद।